तारक मेहता का उल्टा चश्मा। पापू जी, दादाजी, पापा आज तो बस ऐसे ही मस्ती में झूमते रहने का मन कर रहा है। जेठिया, इतने वक्त के बाद हम तीनों ने एक साथ इतनी मौज मस्ती की नहीं? अरे मस्ती मतलब पप्पू जी, कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पे, हम मोरा बैठ के आए हैं। आए और पप्पू जी, अमिताभ जी बच्चन जी की महानता तो देखो, उन्होंने भी हमारे साथ मस्ती की। आप तो सच में एकदम जलसा जलसा पड़ गया। आज का दिन तो एकदम मजेदार हो गया है। हम लोग ने इनाम भी जीता और दान भी किया। और दादाजी, पापा, आप दोनों कितने अच्छी तरीके से सवालों के जवाब दे रहे थे। सच कहूं जेठिया, मुझे तो है ना वहाँ थोड़ा डर लग रहा था, तू वहाँ कोई गड़बड़ ना कर दे। लेकिन तूने तो बहुत अच्छे से खेला। थैंक यू बापू जी। और उसमें भी वो जो राजकोट वाला प्रश्न था ना, उसमें तो तू बहुत अच्छा खेला। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, लेकिन तूने मस्त संभाल लिया। नहीं, वो मुझे थोड़ा आइडिया आ गया था बापू जी। लेकिन सच में आज का दिन तो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। अमिताभ जी बच्चन जी ने हमें केबी से में बुला के जीवन भर के लिए मीठी यादें दे दी। सच में आज का दिन तो मुझे भी जीवन भर याद रहेगा। तो दादाजी, पापा, इस दिन को और यादगार बनाने के लिए एक सेल्फी हो जाए। हाँ, ले बेटा ले, आज तो ये कपड़े भी खास हो गए हैं, अमिताभ बच्चन जी को मिलकर जो आए। ये भी अमर हो गए। लेकिन अच्छे से लेना बेटा। हाँ दादाजी, मेरा नया फोन है, सेल्फी अच्छी ही आएगी। एक और। हाँ। अरे चलो लड्डू लाल, कपड़े बदलो और सो जाओ। लड्डू लाल मैं? हाँ तो और कौन भाई, खा खा के लड्डू जैसा जो हो गया है। आज बापू जी एकदम मूड में है, कुछ भी बोल रहे हैं। कुछ भी बोल रहे? नहीं, सॉरी। ओके, शुभरात्रि। शुभरात्रि। ओके, ये वाला ज्यादा अच्छा है, ये वाला फोटो। हाँ, इसको सेव करो, मस्त लग रहा है। आओ खाए साले एक टच। अरे माधवी, तेरे सामने अभी भी वो नजारा है कि मैं ऐसे हॉट सीट पे बैठा हूँ और सामने साक्षात अमिताभ बच्चन जी उसे सवाल पूछ रहे। आज का क्या दिन था, सवाल के जवाब दिए, इनाम जीता, टीवी पर भी दिखा, जितना सोचा था ना उससे डबल मजा आया। पर हमें उतना मजा नहीं आया। हाँ सही कहा। क्यों? क्योंकि बाबा आपको खेलते हुए देखने में मजा आ ही रहा था कि तब वो समय समाप्ति का हूटर बज गया। आपने कुछ किया क्यों नहीं? अरे मैं क्या करता माधवी, वो हूटर बजना मेरे हाथ में थोड़ी था। पर एक बात तो है, अगर वो समय समाप्ति का हूटर नहीं बजता तो आप और मेहता अंकल बहुत आगे तक पहुंचते। सुनो बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, हमें जीवन में जो भी मिलता है ना उसमें हमें खुश रहना चाहिए। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने ऐसा किया होता तो वैसा हो जाता, ये किया होता तो वो मिल जाता। अरे हमने 25 लाख रुपए जीते हैं सोनू, और 25 लाख रुपए मामूली रकम नहीं होती। मैं तो बहुत खुश हूँ। और हम गोकुलधाम वालों ने 25 लाख रुपए का जो अच्छे काम के लिए उपयोग किया है ना, वो हमने बहुत अच्छा काम किया है। सच में मुझे गोकुलधाम सोसाइटी पर गर्व है। हाँ बाबा, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी है ही सबसे निराली। खरे, वैसे गोकुलधाम में सब अलग अलग है, लेकिन समाज के लिए कुछ करने की बात आती है ना तो सब एक हो जाते हैं। और आज गोकुलधाम वासियों के लिए गर्व का दिन है। गर्व का भी और खुशी का भी, और हमारे लिए डबल खुशी का दिन है। वो कैसे? अरे भूल गई, आई आज अमिताभ बच्चन जी ने हमारे अचार पापड़ के बिजनेस का प्रमोशन किया है। करे। अरे हाँ, साक्षात अमिताभ बच्चन जी ने वो पैम्पलेट पढ़कर हमारे अचार पापड़ की पब्लिसिटी की थी। अब देखना माधवी, तुम्हारे अचार पापड़ का बिजनेस बहुत बढ़ने वाला है। क्या करे, लेकिन उसके साथ साथ आपका टेंशन भी बढ़ने वाला है। वो कैसे? इतू से काम के लिए आपको इतना बड़ा टेंशन हो जाता है,
तो अब तो इतना बड़ा काम पड़ेगा तो आपका टेंशन भी बढ़ेगा, नहीं गगन? बिल्कुल सही। ये टेंशन बढ़ेगा ना तो बढ़ने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी खुशी की बात करते हैं। हाँ, खुशी का दिन है तो खुशी की बात करते हैं और ऐसे ही खुशी खुशी सो जाते हैं। हम लोग तो सो जाएंगे लेकिन खुशी के मारे इनको नींद नहीं आने वाली आज। आप यही सोएंगे ना यहाँ, मतलब हॉट सीट पे? चला बोलने लगे। अरे आज तो नींद नहीं आएगी, कैसे आ सकती है नींद? आंखों से वो नजारे जा ही नहीं रहे बच्चन साहब, वो माहौल आहा। अंजलि, लोगों को पता चला कि मैं केबीसी में गया था, इतने लोगों के फोन आए कि पूछो मत। एक तो एक मिनट बैठो भाई, तुम मेरे किसी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या जवाब दूं? जहां पर जवाब दे सकती थी वहां पर तो मौका ही नहीं मिला। हाँ, मतलब ये कि आपने तो बहुत अच्छे से अमिताभ बच्चन जी के सामने कौन बनेगा करोड़पति खेल लिया, लेकिन मेरा तो नंबर ही नहीं आया। आपको पता मेरा भी मन था कि मैं अमिताभ बच्चन जी के सामने हॉट सीट पर बैठूं। पर अंजलि, वहां सिर्फ बैठना ही नहीं होता ना, सवालों के सही जवाब भी देने होते हैं। अरे अंजलि, मजाक कर रहा हूँ भाई। समय समाप्त हो गया, हूटर बज गया, तो उसमें मैं क्या कर सकता था? कर सकते थे, फटाफट सवालों के जवाब देते, कम से कम मुझे तो मौका मिलता। मेरा तो नंबर ही नहीं आया, वरना मैं भी ऐसे हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठती और कहती ये सही जवाब है, इसे लॉक कर दीजिए। पर क्या, मैं तो कुछ लॉक ही नहीं कर पाई। अरे आपकी बातें जो खत्म नहीं हो रही थी और फिर आप कविता सुनाने बैठ गए। कविता तो बनती है ना। अच्छा ठीक है फिर। अरे अंजलि, मेरी प्यारी प्यारी अंजलि, ऐसे नाराज होते क्या? नाराज मत हो, बिल्कुल नाराज होने की जरूरत नहीं। फिर भी अगर तुम नाराज हो, आई एम सॉरी। नाराज मत हो, आई एम सॉरी। मैं मजाक कर रही हूँ, बस चेड़ रही हूँ आपको। तारक, हॉट सीट पर आप बैठो या मैं, बात तो एक ही है ना, हम दोनों एक ही टीम से जो खेल रहे थे। वैसे एक बात बताओ, मुझे ज्यादा खुशी इस चीज की है कि जो पैसा हम लोगों ने जीता उसे मैं बहुत अच्छे काम के लिए, पुण्य कार्य के लिए लगा रहे। और खुशी इस बात की भी है कि आप पोपट भाई की शादी होने के चांसेस और बढ़ गए हैं। मतलब आज जो लाखों करोड़ों सुकन्याओं ने जो उन्हें देखा। थैंक यू। अरे आज का दिन लाजवाब था, है ना? बहुत किस्से है, कल मिलके बताता हूँ, बाय। अरे वाह वाह वाह, आज अमिताभ बच्चन जी के साथ लाखों लोगों ने मुझे टीवी पर देखा है, हो सकता है उसमें से किसी सुकन्या ने मुझे देखा और पसंद कर लिया। अरे यहाँ जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें आसिफ भाई का बहुत बड़ा योगदान, उनको फोन करके थैंक यू बोलना तो बनता है। हाँ हाँ भाई, आज तो कौन बनेगा करोड़पति में बहुत मजा किया। हाँ सब बताता हूँ, सब डिटेल में बताता हूँ, कल मिलके बताता हूँ, ठीक है? ओके, गुड नाइट। पटलाल का फोन, वाह। हेलो, कैसे रहा आज का दिन, मजा आया कि नहीं? अरे हाँ हाँ, बहुत मजा आया, और इसीलिए तो आपको खास थैंक यू बोलने के लिए फोन किया है। अरे पोपटलाल, हम सब परिवार है, अपनों को थोड़ी थैंक यू कहते। नहीं 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 आशीष भाई, थैंक यू बोलना तो बनता है। आज आपकी वजह से हमें कौन बनेगा करोड़पति में जाने का मौका मिला, आपने इतनी रिस्पेक्ट दी इसलिए थैंक यू। अरे भाई, पत्रकार की तो रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, और आप तो 2 times गोल्डन क्रो अवार्ड विनिंग पत्रकार है। पत्रकार तो समाज का आईना होते हैं, और मैं पत्रकारों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। नहीं नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन मुझे पता है आशीष भाई, आपने ये सब मेरी शादी के लिए किया है, ताकि एक साथ कई कुंवारी कन्याएं मुझे टीवी पर देखे, उनमें से कोई एक मुझे पसंद कर ले और जल्दी से मेरी शादी हो जाए। हाँ ये बात तो है, देखना पोपटलाल, ये कौन बनेगा करोड़पति में तुम्हें देख के कुंवारी कन्याओं की लाइन लगने वाली है, और अब तो मुझे पूरा यकीन है पोपटलाल कि तुम्हारी शादी जल्द होने वाली है। देखना, आपकी ये कोशिश जरूर रंग लाएगी। अरे मैं तो यही कहता हूँ, कोशिश हमेशा करते रहनी चाहिए, ईश्वर पे श्रद्धा रखनी चाहिए और पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और देखना पोपटलाल, मुझे पूरा विश्वास है ये कौन बनेगा करोड़पति तुम्हें बनाएगा सुकन्या का पति। थैंक यू। चलो बस फिर जल्दी मिलते हैं, गुड नाइट। ठीक है, बाय। ओहो, फोन पे फोन आ रहे हैं। हेलो। हाँ आसिद भाई, मैं युवा अनस्टॉपेबल फाउंडेशन से पार्थ बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो बोलो भाई, कैसे हैं आपकी टीम और अमिताभ भाई कैसे हैं?
सब लोग ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। आसिफ भाई, मैंने खास आपका आभार व्यक्त करने के लिए फोन किया है कि केबीसी पे जीती हुई रकम देने के लिए आपने हमारी संस्था को चुना। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा आभार मत मानिए, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। अगर आभार मानना है तो ईश्वर का मानिए, बस वही सब कुछ करवाता है। मैं तो आपकी युवा अनस्टॉपेबल की पूरी टीम को बधाई देता हूँ। आप लोग कितना अच्छा काम करते हो। मुझे याद है हमारी गोकुलधाम सोसाइटी ने आपको स्वच्छता सेनानी का अवार्ड भी दिया था। नमस्कार, हम लोग युवा अनस्टॉपेबल ऑर्गेनाइजेशन अहमदाबाद से आए हैं। तारक मेहता के उल्टा चश्मा की पूरी टीम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें इस पुरस्कार के लायक समझा। आप लोग गरीब बच्चों को पढ़ाते हो। आज के जमाने में भाई बच्चों को पढ़ाना वही सबसे बड़ी समाज सेवा का काम है। जब बच्चे पढ़ेंगे तो ही तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। लेकिन आपने जो हमारे लिए किया ना, वो अमूल्य है। थैंक यू थैंक यू। अगर आभार मानना है तो गोकुलधाम सोसाइटी का भी मानिए, जिन्होंने ये आपके नेक काम के लिए 25 लाख रुपए जीते। कल सुबह हम गोकुलधाम सोसाइटी भी जा रहे हैं गोकुलधाम वासियों का आभार व्यक्त करने के लिए। जाइए जाइए, बिल्कुल जाइए। आपको मिलके गोकुलधाम सोसाइटी वाले भी खुश हो जाएंगे और आप भी खुश हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और आपसे भी बात करके बहुत मजा आया। चलिए आसिफ भाई, थैंक यू एंड गुड नाइट। यस गुड नाइट। फूलों की सुगंध केवल हवा की दिशा में फैलती है, लेकिन एक अच्छे इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। वाह 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 भिंडी मास्टर वाह, अच्छाई पर तूने बहुत अच्छा सुविचार लिखा है। थैंक यू जजेश, थैंक यू। हाँ, इंसान का जीवन अच्छे कामों में ही बीतना चाहिए और वही सच्चा जीवन है। बिल्कुल सही कहा चाचा जी। गुड मॉर्निंग पिडू। गुड मॉर्निंग सोड़ी। इतना ठंडा गुड मॉर्निंग। ओए पास आ जफी ओफी पा। अरे तू वहाँ क्या खड़ा है भाई, आगे तो आ जा आ जा। इधर क्या? अरे ये क्या मजाक है सोड़ी, क्या कर रहे हो तुम? गुड मॉर्निंग। उठाना नहीं उठाना नहीं। अरे क्या उठाना नहीं, वो जब तक तुझे उठा के दो चक्कर ना मरवा दूं वो गुड मॉर्निंग का मजा ही नहीं आता। अरे गुड मॉर्निंग में क्या मजा लेने जैसा है? अरे पिड़ू, वो मजा तो हर चीज में लेना चाहिए, क्यों चाचा जी? नहीं नहीं नहीं, एक काम कर, सुविचार पढ़ पहले जा। सुविचार? हाँ सुविचार पढ़। फूलों की सुगंध केवल हवा की दिशा में फैलती है, लेकिन एक अच्छे इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। वाह 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 पिड़ू, ये किस महान इंसान के विचार है? इस महान इंसान के विचार है। किस महान इंसान के? अरे इस महान इंसान के विचार है। पिड़ू मजाक कर रहे थे यार। ओ पिड़ू, ये फूलों की सुगंध हो तो पता है, लेकिन ये अच्छाई की सुगंध कैसी होती है? चाचा जी आप समझाइए ना। समझा रहा हूँ। देख सुड़ी बेटा, इंसान की अच्छाई जो है ना, वो दया करुणा और परोपकार के कर्मों से जन्म लेती है, और यही सब कर्म इंसान की महानता की दिव्य सुगंध को समाज में फैलाते हैं। जैसे हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के सत्कर्मों की अच्छाई समाज में फैली, अरे तभी तो अमिताभ बच्चन जी ने हमें अपने शो पे बुलाया है कि नहीं? बहुत अच्छा समझाया चाचा जी। वैसे मैनु पता सी, मैं तो पिड़ू की फिरकी ले गया थी। तुम नहीं सुधरोगे ना। वैसे पिड़ू मानना पड़ेगा, तुमने अच्छाई पे बहुत अच्छा सुविचार लिखा है। थैंक यू। हाँ वो कहते हैं ना, अच्छाई करते रहिए बहते पानी की तरह, पूरे खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। वाह क्या बात है चाचा जी, इतनी बढ़िया बात कही आपने भाई। वाह ओ चाचा जी, आपने तो पिड़ू को एक नया सुविचार दे दिया। पिड़ू कौन है? किसी घर पे आए होंगे मेहमान। कौन छे? क्या पता, चल के देखते हैं। हाँ हाँ चलो। नमस्ते भिड़े भाई। नमस्ते। नमस्ते चाचा जी और अय्यर जी। नमस्ते नमस्ते। सत श्री अकाल सोड़ी भाई। सत श्री अकाल। नमस्ते मेहता भाई। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
नमस्ते आदि भाई। नमस्ते। नमस्ते अब्दुल भाई। नमस्ते। नमस्ते बबीता जी। नमस्ते। हाय टपू सेना। हाय। आप हम सबको जानते हैं? हाँ, अच्छी तरह से। लेकिन माफ कीजिएगा अब्बा, हमने आपको नहीं पहचाना। हाँ, मैं बताता हूँ, मेरा नाम पार्थ है, ये उत्सव है, ये आरती मैडम है जो एक स्कूल के प्रिंसिपल है, और ये दो बच्चे उन्हीं के स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, और हम लोग युवा अनस्टॉपेबल फाउंडेशन से आए हैं। ओहो, अच्छा। ओहो, क्या बात है, युवा अनस्टॉपेबल फाउंडेशन वाले हमारी सोसाइटी में आए? जी हाँ। अरे समझ गए हम लोग, आप लोगों ने हम सबको कौन बनेगा करोड़पति में देखा, इसलिए पहचान गए आप लोग हमें। जी जी बिल्कुल। आइए आइए आइए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एक मेंबर सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से युवा अनस्टॉपेबल फाउंडेशन का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं क्या कहता हूँ, आइए घर पे आइए, हैं घर पे बैठ के बात करते हैं। नहीं नहीं, आप लोग यही मिल गए, यही बढ़िया हो गया। हम लोग तो गोकुलधाम सोसाइटी के इस गुड कॉज के लिए आप सभी का आभार व्यक्त करने आए हैं। जी हाँ। अरे गोकुलधाम वासियों, आपने मानवता के लिए बहुत बड़ा काम किया है। युवा अनस्टॉपेबल फाउंडेशन आपके द्वारा दी गई धनराशि का समाज की भलाई के लिए बहुत अच्छे से उपयोग करेगा। वाह, आपके इस अमूल्य योगदान से हमारी संस्था को बहुत बल मिलेगा। हमारा ये जो युवा अनस्टॉपेबल फाउंडेशन है, अगर उसके बारे में मैं कुछ बताऊं, तो हम लोग 2005 से ये काम कर रहे हैं, और ज्यादातर हम लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में काम कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में हमने 2000 से ज्यादा स्कूल्स अडॉप्ट किए हुए, और ये 2000 स्कूल्स में हम बच्चों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन, उनके लिए टैबलेट्स की सुविधा, उनके लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, और कैपेसिटी बिल्डिंग और टीचर्स को कैसे मदद की जाए, वैसे पूरे 14 स्टेट्स में ये काम हमारा चल रहा है। जब हमने 2005 में ये काम शुरू किया था, तब हम समाज के कुछ लोगों को हेल्प करना चाहते थे, पर फिर पता नहीं कि हम लोग आगे बढ़ते गए, लोग जुड़ते गए, और हमने ये 15-16 साल में तकरीबन 20 लाख से ज्यादा बच्चों को मदद की है। और मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोगों का जो गोल है कि हम नेक्स्ट 5 इयर्स में लोगों की मदद से 10,000 से ज्यादा स्कूल्स को अडॉप्ट करके ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। अरे वाह, अच्छा अच्छा। और युवा अनस्टॉपेबल फाउंडेशन गोकुलधाम सोसाइटी के इस महान कार्य के लिए आसिद भाई का और गोकुलधाम वासियों का बहुत बहुत आभार मानता है। आपके ऊपर एक आर्टिकल आया था, उसमें मैंने ये सारी बातें पढ़ी है। अभी जो आखिरी बात आपने बताई वो नई न्यूज है। एक मिनट। हाँ, इन फूलों की खुशबू की तरह गोकुलधाम वासियों के अच्छे कामों की खुशबू हर जगह फैलती रहे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। गोकुलधाम सोसाइटी इसी तरह समाज की मदद करती रहे, ऐसी हम सब की शुभेच्छा। वैसे शुक्रिया था तो हमें आपका करना चाहिए कि इतने अच्छे कार्य में हम अपना छोटा सा योगदान दे पाए। आप जैसी संस्थाओं से ही हमें अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है, और आगे आप भविष्य में ऐसे ही बढ़िया काम करते रहे, सत्कार्य करते रहे, इसके लिए ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने भी गोकुलधाम सोसाइटी के बारे में बहुत सुना है, ये वर्ल्ड की नंबर 1 सोसाइटी है। थैंक यू। चलिए हम सब आपसे विदा लेते हैं, और आशा रखते हैं कि आप सब दुनिया में समाज सेवा का संदेश फैलाते रहे। अरे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.